होप यू गैस डूइंग ग्रेट वेलकम बैक टू माई चैनल विद अदर वीडियो जैसे कि हम लोगों ने कंटिन्यू की हुई हैं अपनी स्टॉक मार्केट की टाइप्स तो उनमें एक टाइप है जो क्या है नस्डैक नस्डैक मीन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकुटेशन ये इसकी फुल फॉर्म है नस्डाक की और ये स्टॉक मार्केट की एक और टाइप है ऑनलाइन ग्लोबल मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग की जाती है वर्ल्ड फ़र्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ये वर्ल्ड फ़र्स्ट एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है बेसिकली इसका मतलब यह है कि ये इसको कोई एक फिज़िकल बिल्डिंग नहीं चाहिए ना ट्रेडिंग फ्लोर चाहिए जहाँ पे ब्रोकर्स बैठे होंगे और वो आपकी ट्रेडिंग करेंगे नहीं ये ऑनलाइन है और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है ठीक है फिजिकल बिल्डिंग इसको रिक्वायर्ड है ही नहीं इस वजह से मोस्ट टेक्नोलॉजी जॉइंट आर लिस्टेड ऑन निस बैग मोस्ट टेक्नोलॉजी जॉइंट लिस्ट है यहाँ पे निस बैग में जैसे कि एप्पल इंटेल एप्पल कितना बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी जॉइंट और एक टेक्नोलॉजी हम लोगों को पता है फिजिकली होती नहीं है ठीक है इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती इस वजह से शायद ज़्यादातर कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड हैं जो टेक्नोलॉजी जॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं फॉर मस्ट नीड्स टू मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फॉर देर स्टॉक लिस्टिंग मतलब स्टॉक प्राइस कोट करने के लिए उनको सर्टन रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी पड़ती हैं इसमें बेसिकली एक दो तो टेक्नोलॉजी जॉइंट लिस्ट हो रहे होते हैं उसके अलावा इसमें स्मॉल फॉर्म्स लिस्ट हो रही होती हैं तो हो है। और उन स्मॉल फॉर्म को लिस्ट होने के लिए सर्टन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती हैं उन रिक्वायरमेंट में नंबर ऑफ़ एसेट्स होंगे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ़ एसेट नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स और लिस्टन रिक्वायरमेंट्स होंगी जो उनको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी फॉर्म्स uh, को सर्टन रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी पड़ेंगी जो टेक्नोलॉजी के अलावा भी फॉर्म्स होती हैं उनको भी और टेक्नोलॉजी जॉइंट्स को भी ऑब्वियसली उनके पास भी एक सर्टन अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं एसेट्स होते हैं कैपिटल होता है और जो कि करनी पड़ेगी और यहाँ पे ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड प्लस स्टॉक ट्रेड होते हैं मतलब कंपनीज के स्टॉक ट्रेड हो रहे होते हैं थ्री थाउजेंड प्लस कंपनीज नेस्ट में लिस्टेड हैं उनके स्टॉक यहाँ पे ट्रेड हो रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर और ये अपने कस्टमर्स को यानी कि जो बायर होता है जो स्टॉक परचेज कर रहा होता है उसको काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं इजी टू मतलब बेसिकली इजी टू यूज़ है और इजीली यहाँ पर ट्रेडिंग और सेलिंग हो रही होती है स्टॉक की इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड का प्रोसीजर नहीं है आई होप कि आपको इस, आप इस काइंड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की समझ आ गई हो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच